माँ, आपने बुलाया हमें? हाँ, मैंने बुलाया था तुम दोनों को। मुझे जरूरी बात करनी है। जारा, तुम ऑफिस से छुट्टियां ले लो। वो क्यों चाची? इसलिए कि मैं तुम दोनों की शादी इसी हफ्ते कर रही हूँ। इस हफ्ते? मामा, इस हफ्ते इतनी जल्दी क्या है आपको शादी की? क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। कोई मसरूफियत नहीं, बस मैंने कह दिया है तो कह दिया है। चची, रहने दे। अगर नुमान अभी शादी के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आपको उसे फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या हरकत है नुमान? पहले तो तुम जारा से शादी करने के लिए राजी थे और अब खुद कतरा रहे। देखो, एक बात तुम साफ साफ बता दो, तुम्हें उससे शादी करनी है कि नहीं करनी? अगर करनी है तो दिल से उसे अपनाओ, वरना जारा को कोई कमी नहीं है रिश्तों की। और जारा को फायजा की तरह तुमसे किसी किस्म का लालच भी नहीं, प्यार करती है तुमसे, इसलिए सब कुछ जाने के बावजूद तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। मां, हर बात पे आप लोग फायजा को बीच में क्यों लेकर आ जाते हैं? जो टॉपिक होता है उसी पे रहा करें ना आप लोग। मामा, देखा आपने, मैं आपको कह रही थी ना जल्दी करते, इसके सर से अभी तक फायजा का जादू नहीं उतरा। अरे कोई जादू वादू नहीं, सब खत्म हो जाएगा। एक मरतबा तुम जारा से शादी तो हो जाने दो। जारा, क्या बात है, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्योंकि शायद मेरा साथ रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो, अंदर बैठकर आराम से बात करते हैं। और आराम से बैठकर भी मुझे आराम ना मिला तो? क्या मतलब? देखो ना माँ, जब तुम्हारी शादी का पता चला था ना तो मैं बहुत रोई थी और बाबा से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। इनफैक्ट बाबा ने तो चाचू से सारे रिश्ते खत्म करने का फैसला कर लिया था। तब भी मैंने पापा से कहा था कि आप वो फैसला लें जो आप निभा सकते, क्योंकि ना तो मैं तुमसे जबरदस्ती रिश्ता जोड़ सकती हूँ और ना ही पापा चाचू से जबरदस्ती रिश्ता तोड़ सकते थे। जारा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जज्बात में आके तुमसे रिश्ता जोड़ रहा हूँ और मैं बाद में पछताऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नुमान, अगर ये बात सच नहीं है तो तुम्हारे चेहरे की खुशी कहाँ है? मुझे तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी क्यों नहीं नजर आती जो हर किसी के चेहरे पर होती है जब कोई नया रिश्ता जुड़ता है? शायद पुराने रिश्तों से मुझे ऐसा जख्म मिला है कि नया रिश्ता मुझे डरा रहा है। नुमान, हमारा नया रिश्ता नहीं जुड़ा है, हमारा तो बचपन का रिश्ता है। क्या यूं कहो कि सदियों से यही बात तय हुई हुई थी, बस तुमने समझने में देर कर दी। नुमान, ट्रस्ट मी, मैं मर के भी तुमसे अपनी वफादारी निभाऊंगी। चलो, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलता हूँ।